और इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक फौजी पर छेड़खानी का आरोप लगा है। जीआरपीएफ ने आरोपी फौजी को हिरासत में ले लिया है। युवती की शिकायत पर जीआरपी ने अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। उत्तराखंड में तैनात है छेड़छाड़ का आरोपी फौजी, और जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, जीआरपी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस थी, जहां पर ये युवती सफर कर रही थी, और इसी बोगी में एक फौजी भी सवार था। छेड़खानी का आरोप इस युवती ने इस फौजी पर लगाया है। जीआरपी ने आरोपी फौजी को फिलहाल तो हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। युवती की शिकायत पर जीआरपी ने अब अपनी छानबीन भी शुरू कर दी है। अगर इस फौजी की बात की जाए तो उत्तराखंड में इसकी तैनाती थी, जो कि अभी जीआरपी की गिरफ्त में है ये फौजी। तो उत्तराखंड में फौजी तैनात था, ये पूरा मामला बताया जा रहा है शताब्दी एक्सप्रेस का, जहां पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक फौजी ने छेड़छाड़ की है, छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जीआरपी थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी ने अब फौजी को अपनी हिरासत में लिया है। युवती की शिकायत पर जीआरपी ने जांच भी शुरू कर दिया है। बातचीत करने के लिए अमित गंज उस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है पूरी खबर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला शताब्दी ट्रेन का है, जो दिल्ली से कानपुर के लिए रवाना हुई है। जब ट्रेन इटावा क्रॉस कर रही थी, तो एक फौजी जो सिविलियन में था, उसने महिला के साथ सी3 कोच में चढ़ते ही छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। कभी उसे फिल्दी लैंग्वेज यूज की, कभी उसके साथ मिसहैंडलिंग करने लगी, जिसके बाद उसने कमर्शियल कंट्रोल को उसे सूचना दी, और ट्रेन जैसे ही कानपुर पहुंची, उसके बाद जीआरपी ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उस फौजी को। और क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था, और वो इतना भी नहीं था कि अपने नाम को स्केच आउट कर सके, मगर जो जांच लोगों से पता चला कि उत्तराखंड में पोस्टेड था, उसकी एक यूनिट कानपुर में, जिसके बाद उसके अन्य सहयोगी आए और उस महिला की जब शिकायत करने लगी, तो क्योंकि 7 साल से कम की छेड़छाड़ का मामला था, और कहीं ना कहीं वो बार बार उनसे माफी भी मांग रहा था। अब उसके बाद पुलिस युवती के ज्यादा प्रोसीडिंग ना करने पर पुलिस ने उसे निजी मुचलके पर छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी देने के लिए। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर वकीलों को हाईकोर्ट की सख्त हिदायत मिली है। कोर्ट परिसर के बाहर वकील ना पहने यूनिफॉर्म, हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है। साथ ही बार काउंसिल की गाइडलाइंस जारी करने के आदेश, यूनिफॉर्म में जाकर भूमाफियाओं के सहयोग का ये पूरा मामला था, जिसमें ये बातें हाईकोर्ट ने कही है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और अब इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि कोई भी वकील हाईकोर्ट के बाहर वकील का यूनिफॉर्म ना पहने। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, ये आखिर कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी हाईकोर्ट को? देखिए, एक लखनऊ सिविल कोर्ट के वकील हैं शुभांशु सिंह, उन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी कि उनके साथ कुछ वकीलों ने ही, या ये कह लें वकीलों के यूनिफॉर्म में कुछ लोगों ने कोर्ट परिसर के अंदर की मारपीट की थी। उस मामले में उन्होंने FIR भी दर्ज कराई थी। उसी मामले में CBI जांच करने को लेकर वकील शुभांशु सिंह की ओर से हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। पूरा मामला जब कोर्ट ने सुना, उस सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि ये बात सामने आ रही है कि वकीलों की यूनिफॉर्म, काला कोट पहनकर सड़कों पर अराजकता फैलाने की शिकायतें अक्सर आती हैं। वकीलों के खिलाफ विवादित जो भूमि संबंधी मामले हैं, वहां पर वकील पहुंचते हैं, भूमाफिया के पक्ष में हंगामा भी करते हैं। लिहाजा उसको लखनऊ बेंच ने बहुत गंभीरता से लिया और बार काउंसिल को आदेश दिया है कि एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि वकील कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफॉर्म ना पहने। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।